ये लाइन में लग के सबमिट करवाना पड़ता फॉर्म, ठीक है, अब जल्दी नंबर आ जाता है यहाँ पे ना। मेरी दीदी आपके व्लॉग्स देखती है। सीरियसली? हाँ सच में। क्या बात कर रहे हो? कब से खड़े खड़े देखा था मेरे को, वही आपका ध्यान आया, ये वाला ना। दरवाजा कैसे खुला? भाई मैं आया वॉशरूम से। आप बताओ कहानी, आप बताओगे? नहीं कहानी आप बताओ। ये चाउमीन वर्सेस तंदूरी नान है। भाई देखो सुनो मेरी बात, क्या कह रहे हो? दरवाजा कैसे खुला? भाई मैं आया वॉशरूम से। आप बताओ कहानी, आप बताओगे? नहीं कहानी आप बताओ, क्या हुआ, क्या है, हुआ क्या? खुला है अभी दरवाजा, इतना खुला है? हाँ ये बंद था पूरा दरवाजा। हाँ बंद ही था पूरा, बंद था प्रॉपर। हाँ, हाँ। लेकिन हल्के से बोले घबरा गया, मुझे ऐसे कैसे आ गई, घबरा क्यों रहा है? तो तेरे को बैठने के लिए कह रहा है। तो भाई मैं क्यों जाऊँ? तुम पास में बैठे, तुम जाओ ना। मैं बैठा हूँ, तू खड़ा है। तो भाई छोटा मैं हूँ ना, बड़े तुम हो तो तुम जाओगे। जाने आने की बात है, छोटे बड़े भाई एक जरूर है। देख ले दिक्कत थोड़ी, बंद कर दे उसे, खुल भी रहा है तो बंद कर दे। खुल गया तो खोलना ना, खुलने का कंसर्न नहीं है। फिर कंसर्न ये है वो उसने वहां से निकल के आया, ये ससुरा कैसे खुल गया? बहुत तो पूरे लोग खड़े हैं, देखो बहुत लोग हैं। क्यों? मतलब पब्लिक चल रही है, वो भी चलेगी। क्या बात कर रहा है? तो ये खड़े क्यों हैं? भाई डर तो गया था भाई, सिस्टम था ऐसा, सिस्टम तू घर से निकल गया ये भट। अरे तो क्या हो गया भूत, ये तो क्या हो गया, दिखे ना, बात करें हम इनकी बात करते भाई भूत से। एक कोई बंदा हो ना, बात करनी है, कमेंट में लिख दे कोई बंदा हो, है कोई जो भूत बने तो मैं जो बात करा सकता है। घूम रहे थे वहां पे संतोष भाई की, रात को 2-2 बजे गोवा के अंदर घूम रहे थे हम भाई। क्या बंदे है ये, गेट खुले पे लेटे लेटे इन्हें मजे आ रहे हैं। लॉजिक मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये हुआ कैसे, ये बोले क्या हो जाएगा, अब हुआ कैसे ये तो ना हो गया, हो गया छोड़ो, दैट्स इट, क्लोज करो बेटा। क्या हो रहा भाई यार, कैसे हो सकता है ये? गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो भाई देखो हमारा ट्रिप रात को चेंज हो चुका था, मैं आपको पहले कह रहा था कि ओमकारेश्वर निकलेंगे सीधा, बट नहीं, अब हमने पूरी रात बैठ के यहाँ पे भस्म आरती के लिए बैठे हुए हैं हम अभी भी, बुकिंग कराने के लिए। और अभी सुबह के 5 बज गए हैं हम यहाँ पे, देख लो सुबह हो गई है, टाइम देखा भाई, टाइम और कोई नहीं सोया इनमें से, टाइम देख लो, टाइम देख लो भाई 5 और हम में से कोई नहीं सोया, बस हमारी जीजा जी आराम से सो रहे हैं मस्त, उनको उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो कह रहे हैं मेरे को दुनियादारी से मतलब नहीं है, तुम करो तुम्हें जो करना है भाई। आंखों में नींद अभी भी नहीं है, बट हाँ बॉडी थक चुकी है, बाबा का जोश है, बाबा का जोश है जो हमें यहाँ पे बनाए हुए। हाँ तो अब देखो क्या कब आएगी नींद, और हमें उम्मीद है यहाँ पे 11 बजे तक हमारा नंबर आएगा। हाँ यहाँ पे 11 बजेंगे, यहाँ पे 11 बजेंगे लेते ही हमें ओंकारेश्वर जी निकलना। हाँ ये लाइन ये सारी यहाँ से स्टार्ट है, बुकिंग लेते ही हमें ओंकारेश्वर जी निकलना, सीधा निकलना है। फिर हम रात को 10 बजे आएंगे। हाँ उसके बाद डिनर करके दोबारा हमें 12 बजे लाइन, 12 बजे दोबारा लगना लाइन में इसी में। फिर उसके बाद हम सुबह वहाँ से 6 बजे तक फ्री होंगे, और फिर हमें दिल्ली निकलना भाई, यहाँ टूक रहा है। मैंने आपका ऐसे उससे देखा था, क्या बोलते, मैंने रैंडमली देखा था, मैंने आपका चैनल ढूंढा था बाद में। अच्छा मेरी दीदी आपके व्लॉग्स देखती है। सीरियसली? हाँ सच में। क्या बात कर रहे हो? कब से खड़े खड़े देखा था मेरे को, वही आपका ध्यान आया, यही वाला ना भैया। हाँ दीदी फैन है आपकी। अरे थैंक यू, धन्यवाद यार, धन्यवाद भाई। अरे भैया भाई भाई लोगों का प्यार है मेन, भाई लोगों का प्यार, और सारे भाई इसी तरीके से जितना प्यार देंगे ना उतना ही हम लोग आपके लिए चीजें क्रिएट करेंगे, और ये चीज बहुत नेक्स्ट लेवल होगी भाई। हाँ नेक्स्ट लेवल चीज है, पढ़ती जाएंगी भाई, ये एक तरीके का एडवेंचर ही है। हाँ। जो हम सो ही नहीं है, और हमें 2 दिन सोना नहीं है। हाँ। भाई हमारे टूर पे नींद नहीं है, जैसे अप्रैल के बाद सीधा जुलाई आ गया दिल्ली के अंदर भाई, और दून मोदी जी बेच के खाए, केजरीवाल जी बोल रहे हैं तो ऐसा केजरीवाल जी बोल, तो इसलिए हम नहीं बोल रहे, इसमें बिल्कुल भी नींद नहीं है, हमने नींद को स्किप करा भाई। देखते अब
फिलहाल तो यहाँ पे बुकिंग करा के फिर रेडी होके निकलेंगे ओमकारेश्वर मंदिर, ठीक है? तो यार तुम मजे लो, तब तक के लिए बाबा। आज चलेगा पंजा, मुझे पता मैं हार जाऊंगा वो भाई से, ठीक है? बट फिर भी आज चलेगा पंजा, ठीक है? तो भैया आ जाओ, लेटना लेटना छोड़ो, जय जियो फोन दे, सुमो वाला फोन जय जियो दे, आओ जय जियो बाबा, चलो भाई भाई उल्टा थोड़ा ना हूँ भाजी, आओ ओके मामला भाई, रेडी 1 2 3 हाथ पीछे रखो भाजी, नहीं नहीं हाथ जहाँ भी रखना रख लो, रेडी ठीक है भाई, 1 2 3 स्टार्ट, स्टार्ट तो कर दो, स्टार्ट है, अच्छा स्टार्ट है भाई, स्टार्ट हो चुका है मामला स्टार्ट है और बंदे भी स्टार्ट है, एक थोड़ा हाई है एक लो है, एक बॉडी में हाई है, चल चल मार चल जा बेटा मार, अबे क्या मत्था लगा रहा है, क्या कह रहा है वो, तक गया चल चल ये तंदूर ये चाउमीन वर्सेस तंदूरी नान है और मामला खत्म होते हुए ऑलमोस्ट हो गया भाई, कर देगा मोटा चित्रा गिरा बहुत बढ़िया। तो गुड मॉर्निंग भाई, रेडी हो चुके हैं यार, ठीक है? और अब हम निकल रहे हैं ओमकारेश्वर मंदिर के लिए, ठीक है? रात को हम बिल्कुल भी नहीं सोए क्योंकि हम इस चीज के लिए रुके हुए थे, ये भस्म आरती का एक क्या कहते हैं ऑफलाइन पर्चा मिलता है यहाँ पे, जो कि 8 से 10 ही मिलता है और उसके लिए लाइन लगती है 12 बजे से रात को, क्योंकि बहुत क्राउड होता है। और अब ये सबमिट कराने जा रहे हैं हम, जो कि सबमिट होता है 10 से 12 के बीच में, ठीक है? और जब ये सबमिट हो जाएगा फिर हमारी जो टिकट है वो हमारी फाइनल हो जाएगी, ठीक है? तो बस ये सबमिट करा के हम निकल रहे हैं सीधा ओमकारेश्वर के लिए और फिर वहाँ से शाम तक आएंगे। थोड़ा करने भी दो, बहुत हुआ सम्मान, थोड़े करने भी दिया कर। तो भाइयों ये लाइन में लग के सबमिट करवाना पड़ता है, ठीक है? और जल्दी नंबर आ जाता है यहाँ पे ना, इतनी भीड़ नहीं होती सबमिट कराने में, बट लेने में बहुत 12 बजे से रात, सही बात है? इतनी नींद आ रही है कि पूछो मत, चश्मा लगा रखा और आगे बंद करा रखा, आगे बंद करके इतनी नींद में हम जाहिर के अंदर जाहिर हो रही है हमें, और अभी हमें सोना नहीं है, 2 दिन और दिल्ली आना, 2 दिन और सोना नहीं है और दिल्ली पहुँचना है, ये टारगेट है हमारा, तो भाइयों हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं, ठीक है? और यहाँ से एक नदी पार करके जाना है बोट में, और सामने वो रहा ओमकारेश्वर का मंदिर, बोलो हर हर महादेव, बोलो हर हर महादेव। गायब हुए अरे बंदे है ना, इनको थोड़ी देर के लिए अकेले का छोड़ते हो, गायब हो जाते भाई, आए इनको ढूंढता हूँ फिर चालू करते हैं हम लोग दोबारा। क्या बात है भाई? कुछ नहीं भाई, गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा धूप है, टेम्परेचर 40+ है, 42 डिग्री, हाँ 42 डिग्री, बहुत ज्यादा भीड़ है भाई, क्राउड चेक करो ना, सही बात है। तो भाइयों मंदिर के दर्शन हो गए यार, और मेरी हालत टाइट हो चुकी है क्योंकि 2 नाइट नहीं सोए हैं, कल रात भी हम भस्म आरती के लिए पूरी रात लाइन में लगे रहे हैं, और उससे परसों रात को, पहले रात को हम दिल्ली से निकले थे तो हमने पूरी नाइट ड्राइव करी, हम काफ़ी नहीं सोए, तो अब हालत थोड़ी टाइट हो चुकी है, ठीक है? अब बोट वाला आ रहा है, उसका वेट कर रहे हैं,
और फिर सीधा जाएंगे गाड़ी के अंदर यार, और सीधा निकलेंगे महाकालेश्वर के लिए। ठीक है, कुछ खाने के लिए बीच में रुकेंगे बस, और बस निकलेंगे वहाँ से ना। ठीक है, तो बस बने रहो ब्लॉग के अंदर, मज़ा आएगा। ठीक है, तो बाय। हाँ भाई, क्या हाल है तेरे? ठीक है तू? ठीक है बंदा, ठीक है। चलो भैया, चलो चलो, यही जाना पड़ेगा। हाँ चलो, जब चढ़ना है चढ़ो आराम से। ठीक है, तो भाइयों बड़ी मुश्किल के बाद, बड़ी मेहनत करने के बाद अब हम होटल पहुंच चुके हैं भाई, और हालत बहुत टाइट है, मेरी शक्ल से दिख ही रहा होगा सबको, क्योंकि यार तीन दिन, तीसरा दिन आज ना सोए हुए, बिना सोए हुए, सबकी शक्ल के 12। ये थोड़ा सस्ते यूट्यूबर हम भी हैं यार, क्या हो गया, खोल दो यार, अब तो हालत भी डाउन हो गई भाई। लाला खुश है, इनके तो 12 नहीं, इनके तो 2 बजे हुए चेहरे के। हाँ जी हेलो, शक्ल के 2 बज गए कि नहीं बजे भाई? मेरे से कोई बात ना करे साला, 3 दिन से सोया नहीं हुआ तुम्हारे चक्कर में भाई, 3 दिन से नहीं सोया यार। तो गाइस सुबह हो चुकी है, गुड मॉर्निंग यार, और अभी तो फिलहाल थोड़ा अपसेट हूँ मैं, पूछो क्यों। वो कहते हैं ना कि महाकाल के आगे कभी भी किसी की नहीं चलती, और जब तक वो नहीं चाहते तो आप कुछ भी उनकी परमिशन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, तो ये बात सच है। तो आज मुझे इस बात का रियलाइज भी हो गया, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यार हम पूरी रात नहीं सोए बसम आरती का परमिशन लेने के लिए, और हमने वो ले भी ली थी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, हम निकल गए थे ओमकारेश्वर के लिए, और हम रात को आए लेट, और उसके बाद जब इंसान 3 दिन तक नहीं सोता, जब वो लेटता है ना तो नींद आ ही जाती है, तो हमारे साथ भी ऐसे हुआ। तो हम सो गए, और परमिशन का टाइम होता है 3:30 बजे तक, वो लास्ट एंट्री करते हैं, और उसके बाद फिर वो गेट बंद कर देते हैं, और 4 बजे से आरती स्टार्ट हो जाती है, 4 से 6 का टाइम है भस्म आरती का, और मेरी यहाँ खुली 4:30 बजे। फिर अभी भी बाकी लोग सो ही रहे हैं, मैं बस अकेला आया था कि क्या पता कुछ दर्शन हो जाए, बट नहीं हुए। ठीक है, भगवान के आगे कभी भी किसी की नहीं चली जाए, जैसे उनकी मर्जी है, अगर उनकी मर्जी के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता, ठीक है, तो उनकी परमिशन के बिना मैं कैसे वो चीज़ कर पाता, सही बात है ना। तो बस वही वाली बात है, नहीं हो पाई वो चीज़। सो हेलो गाइस, भाई कल जो मैंने कहा था जो चीज़ छूट गई थी, फिर उसके बाद मैं थोड़ा अपसेट हो गया था, बट आज वो चीज़ हमने कर ली है इस ट्रेडिशन के अंदर। ठीक है भाई, तो भाई बिल्कुल तो वो ट्रेडिशन आज हो गया, क्योंकि हमने डिसाइड करा था कि हम एक दिन और रुकेंगे, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग रहा था, तो फिर भैया ने कहा कि नहीं अब करके जाएंगे, फिर हमने एक दिन और एक्सटेंड किया अपना, तो आज हमने वो चीज़ कर ली है, जो बिल्कुल सुकून मिला करके ना, वो फील कहीं भी नहीं मिला ना, वो कभी मिल सकता है, वो सिर्फ यहाँ मिल सकता है बाबा की नगरी पर। तो गाइस मेरी चीज़ पूरी हुई, और बाबा करे आपकी चीज़ भी पूरी हो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय गाइस, मिलते हैं, बाय। एक दिन प्यार, दूसरे दिन तुम हिट कर दे, तीसरे दिन बीमार, चौथे दिन तुम वेट कर रहे, पांचवें दिन तुम गेट पर दे।